हेलो सिविल इंजीनियर, स्वागत है आपका अपने चैनल जॉन सैनी सिविल ट्रेनर में एक नई वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको प्लॉट का एरिया निकालना हो, प्लॉट का एरिया फीट में निकालना हो या प्लॉट का एरिया मीटर में निकालना हो। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों देखिए, आप जैसे लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इन फुट। अब आपका जो रेक्टेंगल प्लॉट है उसको आप फिट में कैसे कन्वर्ट करोगे या उसमें फिट में कैसे उसका एरिया निकालोगे, तो उसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इन टू विथ। तो लेंथ और विथ, ओके दोस्तों। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका प्लॉट बनाया गया है। प्लॉट की आपकी लेंथ है दोस्तों 50 फीट और विथ है दोस्तों 25 फीट 6 इंच, ओके दोस्तों। अब जो आपका फॉर्मूला है एरिया लेंथ इन टू विथ, उसमें आप इसको फिलअप कीजिए, एरिया ऑफ प्लॉट लेंथ इन टू विथ। तो लेंथ आपकी 50 इंटू 25.50। दोस्तों आपको ना यहीं पर आके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, जैसे मैंने यहाँ पर 25 फीट और 6 इंच को लिखा है 0.50, ओके दोस्तों। उसका मैंने साइड में लिखा है, देखो एग्जांपल देख सकते हो दोस्तों, एक फीट में 12 इंच होता है दोस्तों, तो 6 इंच में 6/12 करोगे आप अगर, तो ये आएगा दोस्तों 0.50, ओके दोस्तों। आप ऐसे निकाल सकते हो, यदि आपको 3 इंच का निकालना हो तो यहाँ आप 3 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, और अगर आपको 5 इंच का निकालना है तो आपको यहाँ 5 कर सकते हो, 9 इंच का निकालना है तो आप यहाँ 9 कर सकते हो। तो जितने आएगा दोस्तों ये आप इसी को ही आप अपने कैलसी में कैलकुलेटर में ही इसी को ही आप मेज़र कर सकते हो, ना कि आप ये 25.6 नहीं लिख सकते, आपको ये ऐसे ही करके तभी आपको 0.50 ही लिखना पड़ेगा, ओके दोस्तों। तो अब आप कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करोगे, 50 × 25.50, तो आपका निकल कर आएगा 1275 स्क्वायर फीट। आप ऐसे तो दोस्तों निकाल सकते हो फीट में, यदि अब आपको इसी प्लॉट को मीटर में निकालना हो तो प्लॉट आपका 50 फीट बाई 25 फीट 6 इंच सेम ऐसे ही, तो एरिया आपका प्लॉट लेंथ इंटू विथ जैसे आप अभी आपने पीछे वाले पेज में किया था। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लेंथ 50 फीट × 0.3048, दोस्तों ये कैसे लिया गया है? अब आपको थोड़ा इसका बता दो, एक फीट में 304.8 mm होते हैं दोस्तों, ये आपको दोस्तों याद होना चाहिए, 304.8 mm होते हैं एक फीट में। और अब आपको इसको अगर मीटर में करना है तो आप इसको 304.8 / 1000, तो निकल के आएगा दोस्तों 0.3048 मीटर। अब ये मीटर बन गया आपका, तो जबकि आपको अब आपको पता लग गया कि एक फीट में आपका इतना मीटर है, तो आपका आपके पास फीट ऑलरेडी है ही, तो आप 50 × 0.3048, तो यह अब आपका निकल के आ गया मीटर में 15.24 मीटर, ओके दोस्तों। सेम ऐसे ही आपको विथ चौड़ाई जो आपकी है तो उसको कर सकते हो 25.5, जैसे वो अभी हमने पीछे किया था दोस्तों 25, ये है आपका 25 फीट 6 इंच, तो आप इसको लिख सकते हो 25.5 × सेम ऐसे ही 0.3048, तो आपका निकल के आ गया 7.77 मीटर, ओके दोस्तों। अब मीटर में आप कैसे एरिया निकाल सकते हो, तो एरिया ऑफ प्लॉट वही सेम वही फॉर्मूला लेंथ इंटू विथ, तो आपकी लेंथ अब है दोस्तों ये 15.24 मीटर इंटू और विथ है आपकी 7.77 मीटर, तो अब आपका निकल के आ गया दोस्तों 118.41 स्क्वायर मीटर, ओके दोस्तों। ऐसे आप स्क्वायर मीटर में निकाल सकते हो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।